हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो पाकिस्तान में बने हुए एमिनेशंस यूक्रेन यूज़ कर रहा है रशिया के अगेंस्ट। एक वीडियो वायरल हुई है ट्विटर पर, जिसको देखकर ये पता लगाया गया है कि हाँ, जो एमिनेशंस यूक्रेन यूज़ कर रहा है रशियन सोल्जर्स को मारने के लिए, वो पाकिस्तान में बने हैं। ठीक है, अगर आप ये ट्वीट्स देखो, इवन इस ट्वीट में तो ये तक लिखा है कि होप पुतिन इज़ वॉचिंग, क्योंकि इसके बाद पुतिन क्या एक्शन लेंगे किसी को नहीं पता, बट लेट्स सी। ये एक ट्विटर हैंडल है जो कि यूक्रेन में जो भी एमिनेशंस है उनकी इन्फॉर्मेशन देता है, बेसिकली उनकी वीडियोस वगैरह इस पे डाली जाती हैं। तो जब ये वीडियो डाली गई तो ये चीज़ वायरल हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं बोला कभी भी खुल के कि वो यूक्रेन की हेल्प कर रहा है इन एनी फॉर्म ऑफ शेप, क्योंकि उसको पुतिन का जो एग्रेशन है वो नहीं झेलना। वैसे भी पाकिस्तान अभी बहुत बुरी हालत में है, इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर झेल रहा है और पता नहीं क्या क्या। इन सब के चलते इस वीडियो का वायरल हो जाना पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर देता है। अगर हम देखें, जिस दिन रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशंस यूक्रेन के अगेंस्ट शुरू करे, उस दिन भी इमरान खान मॉस्को में ही थे, और दूसरी बात, तब से पाकिस्तान कोई एक स्टैंड नहीं ले रहा है इस इश्यू के ऊपर। ना ही वो ये बोल रहा है कि हम रशिया के साथ हैं, ना ही उसने ये बोला कि हम यूक्रेन के साथ हैं। अब वो बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा है, ये अभी धीरे धीरे पता चल रहा है। लेकिन क्योंकि वो पुतिन को और रशिया को अपने अगेंस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए फोरफ्रंट पे आकर पाकिस्तान कोई काम नहीं कर रहा है। अब देखा जाए तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट था इन एमिनेशंस पर, वो कुछ ही मंथ्स का था, मतलब कुछ ही दिन पहले का था। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद जब ये एस्केलेशन हुआ कॉन्फ्लिक्ट में, जब वॉर और ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि 6 महीने से ऊपर हो गया है, तो तब वेपन्स की और ज़्यादा नीड बढ़ी होगी, और फिर पाकिस्तान ने समहाउ इनको डिलीवर करवाया यूक्रेन में, अपने वेपन्स को, एमिनेशंस को। और ये हो रहा है वाया यूके। यूके एक्चुअल में हेल्प कर रहा है पाकिस्तान से इनको उठाने की और यूक्रेन में डालने की, इन वेपन्स को। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आर्म्स और एमिनेशंस की बात करूं जो यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं, यूएस ने अनाउंस कर दिया था 550 मिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स और एमिनेशंस टू यूक्रेन। यूके ने भी बहुत सारे आर्टिलरी गन्स और ड्रोन्स भेजे यूक्रेन को। फ्रांस ने भी अपनी जो वेपन डिलीवरीज थी वो इंक्रीज़ कर दी थी यूक्रेन के लिए। लेकिन इनके चलते और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, जर्मनी वगैरह बहुत सारी हैं जो यूक्रेन की हेल्प कर रही हैं। बट मेन इश्यू आता है कि जब ये ऐसे आर्टिकल्स छपना शुरू हुए, और ऐसा ही एक आर्टिकल फ्रांस के लिए भी छपा था, फ्रांस के लिए भी न्यूज़ आई थी कि फ्रांस में भी वेपन्स की कमी हो गई है, एमिनेशंस की कमी हो गई है, जर्मन में भी शॉर्टेज चल रही है, इसलिए ये बोला जा रहा है कि इन्होंने जो यूक्रेन को वेपन्स और एमिनेशंस भेजना है, वेपन्स की जो डिलीवरी है वो थोड़ी कम कर दी है। ठीक है, क्योंकि इस स्पीड से जो कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी होती है वो भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि 6 महीने वॉर चलना इज़ अ वेरी बिग थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पर आर्म्स और एमिनेशंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके चलते ही पाकिस्तान का रोल आता है। ऑब्वियसली जब अगर मैं किसी एक कंट्री से ले रही हूँ हेल्प, और वहाँ पर हेल्प देने का फिर थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर दूसरी कंट्री को आगे आना पड़ेगा टू हेल्प मी आउट। ठीक है, वही केस पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान बोला जा रहा है कि जब ये शॉर्टेज होना शुरू हुई, तब पाकिस्तान आगे आया और यूक्रेन को सप्लाई करना शुरू करा। ऑफ कोर्स ये सब बैक स्टेज चल रहा है, सामने खुलकर तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान यूएस के सपोर्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर आपने देखा होगा, सबसे पहले तो IMF ने जो लोन रोका हुआ था इतने दिन से, वो रिवाइव हो गया है। अच्छा, उसके साथ साथ कमाल की बात यह है कि US ने और $30 मिलियन का जो लोन है वो पाकिस्तान को भेजा है, एड भेजी है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अचानक से US का इतना सपोर्ट करना पाकिस्तान को, ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। US को फ़िलहाल प्लीज़ करने का सबसे आसान तरीका है कि हेल्प यूक्रेन इन एनी शेप और फॉर्म, और पाकिस्तान ने यही करा।
पाकिस्तान कर बैक स्टेज रहा है, लेकिन कर वही रहा है जो चीज़ यूएस को प्लीज कर सके, क्योंकि ये उसके फेवर में होगी। और बस इसी के चलते ये सब डिलीवरी हो रही है वेपन्स की यूक्रेन में। अब इम्पोर्टेंट ये है, इंटरेस्टिंग ये है कि रशिया इस पर क्या टेक लेता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, कुछ टेक लेता भी है कि नहीं, कि अवॉइड हो जाएंगी ये चीज़ें, बिकॉज रशिया के लिए ये वॉर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रशिया इज़ डूइंग इट्स बेस्ट कि यूक्रेन को वो सीज़ कर पाए। ऐसे में पाकिस्तान का बिहाइंड द सीन्स उनको वेपन्स की हेल्प करना रशिया पे क्या इफ़ेक्ट डालता है ये आगे देखेंगे। आई कीप यू अपडेटेड, बट फिलहाल के लिए आपके लिए ये न्यूज़ थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।